आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं ताजमहल का आगरा। ये सही है भाई साहब। अरे वो घुस जाएगा अंदर ताजमहल, यहाँ से कोई कूद गया तो वो चार बार मरेगा। गाइस अभी मुझे प्राउड हो रहा है कि आई बॉर्न इन इंडिया, बिकॉज यार यहाँ पर लोग जो है ऐसे चूतिया बनाते हैं बाहरी लोगों को। जैसे अभी मैं सामने देख रहा हूँ, देख करके भाई साहब इतना हंसी आ रहा है। एक नट और एक कंट्री तक को दिखा के ऐसा इतिहास बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसा इतिहास कौन सी बुक में लिखा हुआ है। और ये अंग्रेज एकदम चूतियों की तरह सुने जा रहे हैं उस कहानी को। देख रहे हो भाई साहब, फुल मस्ती चल रहा है यहाँ पर। सही है भाई, कपल के लिए सही है यहाँ पर। मेरे को जाना पड़ेगा। गाइज इस धूप को देखने के बाद बस यही कहने का मन होता है कि बस अब अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जहांगीर महल की तरफ और दिखाते हैं जहांगीर महल का नज़ारा। वैसे तो चारों तरफ का नज़ारा एक ही जैसा है, बस नाम अलग अलग रखा गया है। चलिए चलते हैं जहांगीर महल की तरफ। गाइज यहाँ का व्यू भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। सोमनाथ दरवाज़ा, गजनी दरवाज़ा, ये आमिर खान वाला गजनी नहीं है। यहाँ पर एक गड्ढा जैसा बना हुआ है, हर जगह बस गली गलियारा बना हुआ है। जिधर से घुसो किधर से निकलो। ओ भाई साहब इधर देखो, अभी तुरंत हम लोग इधर गए थे, फिर हम लोग उसी गली में आ गए। एक भूल भुलैया टाइप का बना हुआ है, देखो अभी इस गली से आए फिर वापस घूम फिर के हम लोग इधर ही आ गए। और देखते हैं, इधर बदबू हो रहा है, बहुत बहुत गंदा महक रहा है यार। लगता है ये जेल है पुराने जमाने का। गेट अभी के आसपास का है। हाँ भागो यार, भूत प्रेत आ जाएगा। हाँ सच में ये जेल ही है, देखिए ये चारों तरफ से गेट है जेल वाला। उधर भी गेट है, इधर भी गेट है। भाई साहब कोई है क्या? हाँ ये जेल ही है, ये इसलिए इस तरह का बना हुआ है। ऐसे इस लाइन से आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो छेद दिख रहा है इसमें जो है लाइट रखा रहता होगा, इसमें मसाल वगैरह जलता होगा दोनों साइड से। और जो है यहाँ से सैनिक जाते होंगे एकदम लेफ्ट राइट करते हुए, ये गेट खोलते होंगे और कैदी को अंदर डाल देते होंगे। ठीक है, ऐसा ही जेल रहता है, मैंने फिल्मों में देखा है। इतना कोना है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग कहाँ पे आए थे। जहांगीर महल, इधर से बाहर निकलने का। इसको अंदर में वीआईपी प्राइवेट मीटिंग के लिए एक चेयर बना हुआ है, एक क्या ढेर सारा चेयर रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा एंटर हम लोग उधर से किए थे और इधर से बाहर आ गए। चलिए अब उधर चलते हैं, उधर का एरिया। भाई साहब बहुत बड़ा कैंपस है, हम लोग खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग किधर से आए थे और किधर से गए थे। तरफ से देखते हैं, पहले हम लोग उधर चलेंगे फिर वहाँ से उधर चलेंगे और उधर से एक व्यू ले लेंगे, उसके बाद फिर आके हम लोग थोड़ी देर छाँव में बैठेंगे। धूप भाई साहब धूप बहुत ज़्यादा तेज है। और यहाँ से ये व्यू देखो जहाँ से हम लोग अभी तुरंत आए हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये जो टूटा हुआ खंडर दिख रहा है ये सारा अकबरी महल का है। अभी इस पे चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी सब ढह गया है। इधर भी गिरा हुआ महल, ये सब गिर गया है भूकंप वगैरह जो भी रीज़न रहा। यहाँ पे पेड़ है, चलिए छाँव में पहले चलते हैं। आगे क्या बंद है क्या? आइए इधर चलते। ओह क्या यार, हम सोच रहे थे रास्ता होगा, ये तो बंद निकला इधर से। हमको बताएं क्या लगता है, यहाँ पर ऊपर में लोग तोप रखते होंगे, आते होंगे ढाई 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 मारने के लिए। आई नो कि आई डोंट नो हिस्ट्री अबाउट दिस प्लेस, तो आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो गाइज हम तो सोचे कि वो एरिया तक हम लोग जा सकते हैं, बट उधर नहीं जा सकते क्योंकि वो जो है वो महल गिरा हुआ है। और ये जो रास्ता है देखने में रास्ता जैसा लग रहा है, बट ये जो है वो बंद है, वो दीवार है असल में। ठीक है, और वहाँ पर से जो एक आपको दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उधर हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जो भी एरिया है वो बस यही है, इसी को अकबरी महल बोलते हैं। यहाँ पर पहले बहुत बड़ा था जो कि अभी नहीं है, ये खंडर बचा हुआ है। ठीक है, तो बस यही था आगरा का किला, थोड़ा सा और बचा है और उसको भी देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। गाइज यही वो प्लेस है जिधर से हम लोग इन किए थे,
ये देखो आप घोड़े के डर से हम लोग गिन किए थे, जो कि घोड़े के तब 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 आवाज लोग तालियों से बजा बजा रहे थे। अब तो हम लोग भी घोड़े की तरह आवाज़ निकालने सीख चुके हैं। और इतना बड़ा जगह है ना कि सच में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर हम आए कहाँ से थे, हम कितना घूमे। हम लोग असल में एंट्री उधर से लिए थे और हम लोग घूमते 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 यहाँ आ गए, ठीक है। और अभी एक पार्ट और बचा है तो उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से आगे की ओर। बहुत तेज गर्मी है आज। गाइस अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पीने का पानी मिल जाता है, यहाँ पे आरओ लगा हुआ है और तो पानी पीने का कोई टेंशन नहीं है। गर्मी है बहुत ज़्यादा इसलिए पानी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ की तरफ से फ्री है पानी। सामने कुआं सुनेगा उन्होंने। लाइक सब्सक्राइब कर दो सौरभ। अबे तुम अंदर कैसे गए? अरे बोल रहा है वो ऐसे हटा के अंदर गया। देख लो सही से, ये बहुत गहरा है, ठीक है भाई साहब। अभी तो हम कुछ और ही समझ रहे थे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो गाइज ये था आगरा फोर्ट पूरा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ताजमहल वाला वीडियो मिल सके। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताजमहल पर, ताजमहल के सामने। तो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए